नमस्कार अर्ग सुपरफास्ट सहित अपूर्व आरंभ करिबा खबर अभियान स्वाधीनता दिवस पूर्व देशवासी को संबोधित कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वां स्वाधीनता दिवस में देशवासी को अभिनंदन जनाई राष्ट्रपति या सहित विदेश में रहुवा समस्त भारतीय को स्वाधीनता दिवस अभिनंदन जनाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यह दिन आम समस्त अत्यंत आनंद उल्लास दिन चलित वर्ष स्वाधीनता दिवस विशेष महत्व रही कारण यह वर्ष आम समस्ते स्वाधीनतार 75वां वर्ष तथा अमृत वर्ष पालन करुचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते जे काही केते पीढ़ीर बलिदान परे आम स्वाधीनतार स्वप्न साकार होता समस्त महापुरुषों त्याग और बलिदान विजय होता मुझ समस्त महात्मा मानू श्रद्धापूर्वक नमन करुचे। विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से मेरा उस स्मारक तक जाना संभव नहीं हो पाया। वीर सैनिकों के सम्मान में उस दिन मैंने बारामूला में डैगर वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह मेमोरियल उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन जाबाज योद्धाओं की वीरता और त्याग की सराहना करते हुए मैंने देखा कि उस युद्ध स्मारक में एक आदर्श वाक्य अंकित है, मेरा हर काम देश के नाम। यह आदर्श वाक्य हम सभी देशवासियों को मंत्र के रूप में आत्मसात कर लेना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि राष्ट्र और समाज के हित को सर्वोपरि रखने की इसी भावना के साथ हम सभी देशवासी भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट हो जाएं। अब मात्र कई घंटा पर देश पालिब 75वां स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस पालन पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछे। विशेषकर कड़ा सुरक्षा बल में रही लाल किला। स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहिठारु देश को संबोधन करेंगे। दुर्ग चारिपाखे 9टी ड्रोन कैमेरा नजर रखिबो। सेपरे सुरक्षा पर 300 सीसीटीवी कैमेरा लगा जाइछे। लाल किला रे 5000 जवान को मुतयन करा जाइथिला बेले पूरा दिल्ली पर 40,000 अधिक सुरक्षाकर्मी नियोजित होछन्ते। यहा सहित दिल्लीर समस्त सीमा को बंद करा जाइछे। ओडिशार दुई जवान को मिलिबो सम्मानजनक शौर्य चक्र। शहीद सुधीर टुडु और देवाशीष सेठी को मिलिबो शौर्य चक्र। मरणोत्तर भावे दुई एसओजी जवान को मिलिबो शौर्य चक्र। दुहिंक साहस और वीरत्व पर मिलिबो शौर्य चक्र। माओवादी गुली विनिमय बेले उभय शहीद होते 2020 सेप्टेम्बर 9 शहीद होते दुई जवान। कलाहांडी सिक्री गाँ पाख जंगल में माओवादी सहित गुली विनिमय शहीद होते दुई ओडिया वीर जवान। देश मातृकार सेवा पाई एक वीर ओडिया जवान को मिलिबो शौर्य चक्र सम्मान। दुई ओडिया वीर को शौर्य चक्र मिलिबा नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से ट्वीट करी रखिछन्ति जे ओडिशार शहीद दुई एसओजी जवान देवाशीष सेठी और सुधीर कुमार टुडु मरणोत्तर शौर्य चक्र से सम्मानित होगा आम ओडिशा पाई गर्वर विषय। देश मातृकार सेवा पाई उहे जवान का सर्वोच्च बलिदान सर्वदा स्मरणीय होइ रहिबो। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को भेटिंट ब्रोंज पदक हासिल कर भारतीय हॉकी टीम दुई ओडिया सदस्य आज दिल्ली में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित साक्षात करिसेंती ओडिया हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और वीरेन्द्र लाक्रा। दुई खिलाड़ी को सेमान को सफलता पर अभिनंदन जनाई केन्द्रमंत्री। बहुत खुशी लगे आज शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सर सहित भेट होगी मैंने जमी आगर भी बहुत सपोर्ट करते जिते बड़े पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मु बहुत खुशी अच्छे सार मैंने निश्चय आग को भी हमको सपोर्ट करेंगे बोली मु आशा करूँ। राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या रे लागुनी ब्रेक। आज आउ 66 जीवन नहीं कोरोना महामारी लगातार भाव मृत्यु संख्या 60 उपरे रहुतबा बले राज्य में मोट मृत्यु संख्या 6823 रे पहुंची। सेपरी गत 24 घंटे 1132 नुआ आक्रांत चिन्हट होती 657 जन क्वारंटाइन चिन्हट होता बेले लोकाल केस 475 रही। खोर्धार सर्वाधिक 410 आक्रांत चिन्हट होता बेले कटकु 197 जन करोना आक्रांत चिन्हट होती। अर्गसर प्रभाव जातीय पताका को असम्मान घटना खबर प्रसारण पर त्रुटि सुधारे बरगढ़ जिलापा
जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस पालन पर जिला प्रशासन पक्ष निमंत्रण पत्र बंटा जाता जो जातीय पताका को त्रुटिपूर्ण भाव छपा जाता यहने बुद्धिजीवी महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई संपर्क अर्गस खबर प्रसारण पर निज भूल को सुधारी बरगढ़ जिला प्रशासन मध्यम अर्गस को आम धन्यवाद जनवा जे जेतेबेले जातीय पताका को असम्मान करा जाउथला जिला प्रशासन तरफ से समय रे गोटे खबर प्रसारण करथिबारो आज आम जिलापाल जिला प्रशासन को भी धन्यवाद जनाउछु से माने भी तांकर त्रुटि को ठीक करछन्ते निश्चित भाव आम देखु गत काल आम देखल गणमाध्यम जे गोटे भूल पताका मानने देखा जाइथिला एवं आज जहाँ गणमाध्यम जानलु जे प्रशासन ता त्रुटि को सुधारी बहुत खुशीर कथा निज त्रुटि को सुधारिकी पुणी मानने मार्जित कर छाड़ाटा आम खुशी ए बिना व्यवच्छेद मृतदेह हस्तांतर को नहीं उत्तेजना राउरकेला रेलवे कॉलोनी अंचल में आज सकाळे जन युवक आत्महत्या करते कि परिवार लोके अभियोग करते पुलिस पिटी पिटी मारी सेपटे शब व्यवच्छेद पठा जाता बेले डाक्तर बिना व्यवच्छेद पर लोक शब हस्तांतर कर घटनास्थल में उत्तेजना प्रकाश पाई प्रकाश पाई प्लस टू कला और धंदामूलक परीक्षा फल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में फलाफल घोषणा कर विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री चलित वर्ष कलार रेगुलर पास हार 98.58% रही 189,363 रेगुलर पिला परीक्षा देता और 186,685 जन पास कर प्रथम डिविजन में पास कर 30,510 जन से द्वितीय डिविजन में 46,101 जन और तृतीय डिविजन में 10,074 जन पास कर 90% अधिक छात्र छात्री रखिंट 95 एथर बिना परीक्षार रिजल्ट बाहरी बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर मामलें मंत्री प्रताप जेना को खसाई देवा उद्यम चार्जसीट्रु मंत्री ना हटा घटना को कांग्रेस विरोध जनवरी 2 रे बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्यसिंह बराल को हत्या करा एने महांगा थाना एतला देते कुलमणि पुआ रमाकांत बराल एथिरे मंत्री प्रताप जेना समेत 13 जन ना थिला तबे चार्जसीट्रु मंत्री ना किए और काहीक हटाइला ताहा बड़ प्रश्न सेपटे एफआईआर ना थिबा जलसंपद विभाग कर्मचारी विजय बराल फेरार अछंती हेले एबे भी तांका अकाउंट को दरमा आसुथबार अभियोग करिछि कांग्रेस नेतृत्व स्थानीय दलगत निर्विशेष जो मैंने लड़ाई में सामिल होती धन्यवाद देवास मुझ आईन शेष पर्यंत जी शेष रक्त बिंदु थोड़ा पर्यंत मंत्री ना एफआईआर न जोड़ा पर्यंत आम शांति रहीपरू और आम आपण माध्यम द्वारा पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री को जनाऊँ आम जीवन प्रति एवं भी विपद अच्छी आम प्रति अच्छी जो मैंने आक्यूज अच्छा पर मंत्री तरफ अच्छी मंत्री संपूर्ण इनवल्व डायरेक्टली इनवल्व तो कहीं कटाला आम एक कथा आज कहलु आम लिखी यदि आपको तदंत ठीक पूर्ण न कराए तो बड़धरण आंदोलन कोर्ट को आंदोलन को जीव जपर्यंत माननीय मंत्री एथे आक्यूज पर्सन धरा न पड़ते से पर्यंत आंदोलन को आहरी जोरदार कर जो उत्थापन करते प्रकृत भाव से तदंत होनी 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट जो है ठीक भाव में करते लोक मैंने फोन नंबर ट्राक कर बाबद पचारि से अनुसार इनक्वारी रिपोर्ट देवी आसंता 16 तारिखर जिला बाहर और राज्य बाहर मृतकों पर खोल स्वर्गद्वार मृतकों सर्वनिम्न 10 जन संपर्क आसीपारे स्वर्गद्वार मृतकों नेगेटिव रिपोर्ट देखा शवदाह नहीं प्रशासन तरफ सूचना दीजिए सेपरी शवदाह पर महोदधि मृतकों अस्थि विसर्जन करने जिला प्रशासन पक्ष नुआ एसओपी जारी हो केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक खरस्रोता मेगा पानीय जल प्रकल्प को विरोध करी गिरफ होता व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने दावी करी जिला बीजेपी जिला बीजेपी कार्यालय अनुषित एक सांबादिक सम्मेलन में दल खरस्रोता आंदोलन को समर्थन करने सहित यह प्रकल्प भितरकनिकार जैव विविधता को ध्वंस करदेव अभियोग कर राज्य सरकार आंदोलन को दबाई देवा परिवर्तन आलोचना माध्यम अचलावस्था दूर करने उद्यम करूं बोली जिला बीजेपी सभापति किशोर कुमार पंडा दावी कर पदारे पड़ा स्वास्थ्य व्यवस्थार विकल चित्र पुणी थे सामना को आसला जननी जंत्रणा गांव को रास्ता नथिबारु स्ट्रेचर में बुहा हेले गर्भवती एभली दृश्य देखा मिली कंधमाल जिला गुमुड गुबुर महापंचायत गरड़ महागाँव में जड़े गर्भवती महिला ग्रामवासी एक स्ट्रेचर में पकाई कांधे बोही बोही दुईट पहाड़ अतिक्रम करने सहित कोटगोड़ स्वास्थ्यकेंद्र को आनी महिला स्ट्रेचर साहजे कांधे बोही गरड़ महारु गुबुर महाकू ने आनी
ଭାଙ୍ଗିଲା ମଲାଗୁଣି ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ଦେଇ ନଦୀ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଓ କେନାଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ମଲାଗୁଣି ନଦୀ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 80ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରେଜର 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ କେନାଲ ଦେଇ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା। ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ବଳିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ବସୁଥିବା ଜଗାର ମୁହଁରେ ହସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମେଲୁପଡ଼ା ଗାଁର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ, କାରଣ ବଳିଆର ବିୟୋଗ ପରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଗା ପାଇଛି ସାଙ୍ଗଟିଏ। ତା ପାଇଁ ଖେଳିବା ଓ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ନବଜାତ ଭଉଣୀ। ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ବାପା ଭୂୟାଁ କହର ଓ ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କୌରସରୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଲାଲମୋହନ ନାୟକ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ମାସ ଓ 5 ବର୍ଷ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଉଭୟଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଲା ଅପରେସନ, ମେଡିକାଲରେ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଜିଡି ବିଭାଗର କାମଚଳା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ କକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତେଜକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବାରୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କ୍ୱିଟ୍, ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।